서른색 소로 붙여줘. 서른이요. 메라고 주면 메라고 주면 소. 그럼 뒤에는 소로 붙여. सर यहाँ पे लिखिए सर आप होती है जब रहमते में आके गाते रहमते नाइन्थ यानी आठ साल तो हम लोग सक्सेसफुली रहमते कॉन्सर्ट कर चुके हैं और इस तरह से लोग आते हैं इतने प्यार से आते हैं और उनको ये विश्वास है कि वो जो पैसे देते हैं एक एक पाई उनकी जो है वो म्यूजिशंस के हेल्प के लिए जाती है। जो भी पैसे हैं वो कई बार तो हम म्यूजिशंस को यहीं बुला के दे देते हैं। एक लिस्ट उनकी बनती है जो लोग अप्रोच भी करते हैं, कुछ लोगों को हम ढूंढते हैं और यहाँ स्टेज पे ला के दे देते हैं, कुछ लोगों को उनके अकाउंट में डाल देते हैं, किसी किसी को मेडिक्लेम देते हैं, किसी को इंश्योरेंस देते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहमतें के द्वारा हो रही हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं रहमते का एक हिस्सा हूँ। हर साल कुछ नया रहता है, इस साल आपकी परफॉर्मेंस बहुत स्पेशल रही, गीत सुनने को मिले, क्या कहेंगे? देखिए नयापन तो करना ही पड़ेगा और आज तो मैंने इतने अच्छे राजस्थान के सिंगर हैं खेता, तो मैंने खेता के साथ गाया, ये मुझे बहुत ही खुशी हुई और लोगों ने इस जुगलबंदी का बहुत मजा लिया। देखिए हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई तकलीफ कभी कभी आती है और हम आपको बताएं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई थी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को जो लॉकडाउन हुआ तो सब घर बैठे हुए थे और उसमें कितने ऐसे हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, रिकॉर्डिंग्स करके पैसे लाते हैं, उनको कितनी दिक्कत हुई होगी। ऐसे समय पर रहमतें सामने आ जाती हैं और हमारे सौरभ दत्तरी जी हमारे साथ अभी ज्वाइन हुए हैं, ये सौरभ दत्तरी जी की ही मेहनत है, हम लोग तो बस इनके पीछे पीछे काम करते हैं, जो ये आदेश दे देते हैं हम लोग करते हैं, लेकिन सच ये है कि मैं हरिहरन जी और सौरभ दत्तरी जी हम तीनों ने मिलके इस बात को सोचा, शुरू किया और देखिए यहाँ तक पहुँच गए हैं कि नाइन्थ ईयर हो रहा है और खचाखच सन्मुखानंद हॉल भरा हुआ है। वेरी डिफिकल्ट, मुश्किल काम है, मुश्किल काम है, इसके लिए बहुत मेहनत है और इसके लिए आर्टिस्ट जो चुने जाते हैं जो पेश हों उनको भी पब्लिक सुनना चाहे, ऐसे आर्टिस्ट चुने जाते हैं तो वो भी एक बात होती है। तो हमारे सौरभ जी तो सभी कलाकारों के दोस्त हैं, कितने कलाकार इनसे नाराज़ हो जाते हैं कि हमको क्यों नहीं मौका दिया, जैसे अगले साल में नाराज होने वाला तो वो नाराज हो जाते हैं लेकिन उनको फिर अगली बार खुश किया जाता है। And every year has been more easier than the last year to put up the show because by now people know what we are doing, who we are approaching, why we are approaching, and almost everyone is on the same page. Almost everyone comes with a very, you know, big dose of generosity, and that's what makes things much more easier now. And like Anup ji said, the music fraternity has opened all their arms. They opened all their doors. They come when they are called. I don't recollect anybody ever having said no. That nahi, main ye nahi karunga. 9 saal mein we must have had over 20 artists easily, definitely more than that. And it was just a phone call away. And I am so grateful to the entire music fraternity for always having stood by us, stood by the cause for, you know, the whole thing. Normally what generally happens is that they all come on some kind of recommendation, you know, because we need to know that the money is going to the right people, you know, the deserving people.
There are lots of people who don't really deserve it. There are lots of people who don't really need it. And they try to pull a fast one. But we don't do diligence, really. Except that we are, the person comes highly recommended. So when they come with a recommendation, we know that, you know, this guy really needs the money badly or he's really in a bad shape. So that makes things more easier. Only after we receive the names from them, we have somebody reaching out to them and to make sure that, you know, the person has no other source of income. That's the only criteria. COVID took a big toll on people, and thank God we had some funds, but we kind of diluted all our funds during COVID time and gave money to people. That was the time when I could say ki haan, khali ho gaya sab. ये मदद का खजाना खाली हो गया है, अब इसको फिर भरना है, तो इस साल से फिर शुरू हुआ है. जितना पैसा आएगा उतना ही हम लोगों को मदद कर सकेंगे, तो आप सब इसमें जुड़ें और रहमते का एक हिस्सा बने. I'm completely in tune with what he just said. The more the money we get, the more the people we are able to help. You know, it's a ship that never sinks. यही तो होना चाहिए. ओल्ड इज गोल्ड, क्योंकि उन दोनों के शायर एक से एक थे, उन दोनों के म्यूजिक डायरेक्टर्स एक से एक थे, सिंगर्स तो थे ही, तो सबको लोग हमेशा याद करेंगे. और हमको पता है कि हम भी वही सब गाते हैं स्टेज पे, हम उनके गाने गाते हैं और दूसरे भी गाते हैं, वो तो अमर हैं वो लोग.